Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Saima's Cooking Secrets. Viewers, aaj main aap logon ke liye chocolate glaze cake taiyar karungi. Chocolate ka sponge banane ke liye jin jin ingredients ki zarurat hai wo main aapko dikha deti hu. Maida maine isme 2 cup ke barabar liya hai. Chini isme pisi hui chini hai ye 1.5 cup ke barabar hai. 3 tablespoon isme maine cocoa powder liya hai. 1 teaspoon इसमें मदीना एसेंस है, 2 teaspoon इसमें बेकिंग पाउडर है, 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं और मक्खन मैंने 200 ग्राम लिया है. ये घर का बना हुआ मक्खन है, आप चाहें तो मार्केट वाला यूज कर सकते हैं. आधा कप दूध लिया रूम टेम्परेचर पे. चलें अब केक का बैटर तैयार कर लेते हैं. ये मैंने 9 इंच का पैन लिया है. सबसे पहले इसको ग्रीस करके रख लेते हैं. थोड़ा सा इसमें ऑयल आप डालें और इसमें अच्छी तरह ऑयलिंग कर दें. बटर पेपर मैंने पहले से कटिंग करके रख लिया था, अब वो लगा दें इसमें. इसमें भी अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दें. पैन हमारा रेडी है, अब मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ. सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लें. बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाल दिया मैदे में और कोको पाउडर भी इसी में शामिल कर दें. अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें. इसको अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना छान भी लेते हैं ताकि इसमें अगर किसी किस्म की गुठली हो तो वो ख़त्म हो जाए. सबसे पहले इसमें बटर डालें. बटर आपने रूम टेम्परेचर का लेना है. वैसे तो आप हैंड बीटर से भी इससे कर सकते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए. थोड़ा सा चला के अब इसमें ये चीनी ऐड कर दें, साथ ही ये वनीला एसेंस भी इसमें डाल दें. अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल बन जाए. अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता अंडे शामिल करते जाएं, किनारों से भी अच्छी तरह ऐसे शामिल कर दें बीच में. अब इसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रीमी शक्ल ना बन जाए. ये देखें बिल्कुल क्रीमी शक्ल बन गई है. अब इसमें थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून दूध इसमें मैं डालूंगी. अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा शामिल करते जाएं. बैटर हमारा रेडी है, अब मैं इसे पैन में डाल लेती हूँ. पैन में सारा बैटर ऐड कर दें. इसमें इस तरह थोड़ा सा चम्मच चला दें ताकि किसी किस्म की जो एयर है वो निकल जाए. अब इसको इस तरह टैप करके बिल्कुल बराबर कर लें. अब मैं इसको बेक होना रख दूंगी. ओवन मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे. 40 to 45 मिनट्स इसको बेक करेंगे. व्यूअर्स 45 मिनट लगे हैं, केक बेक हो गया. अब मैं आपको चेक करना भी बता देती हूँ कि किस तरह पता चलेगा. कि आप इस तरह एक टूथपिक लेके उसको इस तरह अंदर घुसाएं और ये बिल्कुल क्लियर निकले तो आप समझ जाएं कि केक आपका बेहतरीन सा बेक हो गया. अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ. आप ज़रा ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए उस वक्त निकालें. मैं इसे अब ज़रा जल्दी से ठंडा करूँगी. अब ये बटर पेपर भी उतार देंगे. देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है. इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट है. अब हम इसको आधा घंटे के लिए कम से कम ठंडा होना रखेंगे. उतनी देर में मैं इसकी ग्लेज तैयार कर लेती हूँ. उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ. चॉकलेट ब्लॉक मैंने ये छोटा छोटा क्रश कर लिया हुआ है. ये सेमी स्वीट चॉकलेट है. ये तकरीबन 1 कप के बराबर है. इसमें चीनी मैंने 1 टेबलस्पून लिया. 1 टेबलस्पून ही कोको पाउडर है. क्रीम भी इसमें 1 कप है. ये कॉर्न सिरप है. ये 3-4 टेबलस्पून इसमें जाएगा. यह आराम से मार्केट में मिल जाता है. अगर ना मिले तो आप बताना, मैं फिर इसको बनाने का तरीका भी बता दूंगी. इसके अलावा मैंने ये सॉल्टेड बटर लिया है. ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है. चलें इसकी कुकिंग कर लेते हैं.
बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। सबसे पहले ये क्रीम मैं अच्छी तरह गर्म करूँगी। चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है ताकि कहीं नीचे ना लगे, और फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है। मैंने एक घर की फ्रेश क्रीम ही ली हुई है, आप चाहें तो टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं। क्रीम गर्म हो गई है, अब इसमें ये चॉकलेट मिक्स कर दें, साथ ही इसमें कोको पाउडर भी शामिल कर दें। इसको उस वक्त तक आपने अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक ये चॉकलेट के सारे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब आप फ्लेम बंद कर दें। चूल्हे पे से उतारने के बाद इसमें तेज़ तेज़ चम्मच चलाते रहना, चूँकि अब ये भी गर्म है तो कहीं नीचे लग के चॉकलेट का जायका ना ख़राब हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लेना है इस तरह चम्मच चला के। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न सिरप ऐड कर दें। अब इसको छान लेंगे ताकि कोई भी ज़र्रा इसमें वो निकल जाए। चॉकलेट ग्लेज छानने के बाद देखें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलें अब इसको केक पे डाल लेते हैं। ठंडा होने पे इसका 40 टेम्परेचर तकरीबन होना चाहिए, तो फिर इसको केक पे डालते जाएं। केक पर मैंने ग्लेज लगाने के बाद इसको आधा घंटा फ्रिज में रखा है, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इस पे कोकोनट पाउडर हल्का हल्का ऐसे स्प्रिंकल कर लेते हैं। केक रेडी है, मैं अब आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है, इसका टेक्सचर देख लें कितना सॉफ्ट है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने बनाना सिखा दिया आपको। इंशाल्लाह आप भी ऐसा बना सकेंगे। मैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा इंशाल्लाह आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।